हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सबका रेसिपी इज बाई संध्या में। आज हम बनाने जा रहे हैं आलू परवल की सब्जी। आलू परवल की सब्जी अक्सर पार्टियों में जरूर बनाई जाती है, बहुत टेस्टी बनता है। ये बहुत ही सिंपल तरीके से बनाएंगे पर टेस्ट में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन भी प्रेस कर दे ताकि मेरी आने वाली नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो को पूरा देखे, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूले। तो स्टार्ट करते हम आज की अपनी रेसिपी। एक बाउल ले लिया है, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर। सबसे पहले मैं मसालों को भिगोकर रख देती हूँ। भीगे हुए मसाले काफ़ी अच्छे से भुन जाते हैं। एक साइड में रख लेंगे मसाले को। यहाँ पे मैंने ले लिया है मिक्सी जार। 2 मीडियम साइज के प्याज को लंबाई में कट कर लिया है, ऐड कर लेंगे। 1 टमाटर को कट कर लिया है, ऐड कर लेंगे। 4 से 5 कली लहसुन के मोटे मोटे टुकड़ों में कट कर लिया है। 1 इंच इतना अदरक मोटे मोटे टुकड़ों में कटा हुआ। 2 हरी मिर्च। थोड़ा सा पानी ऐड करके मिक्सी जार का ढक्कन लगा के पेस्ट तैयार कर लेंगे। यहाँ पे मैंने 4 आलू ले लिए हैं मीडियम साइज के, 5 परवल है। सबसे पहले दोनों को छील के हमें कट करना है। परवल लेंगे, परवल का छिलका हमें स्क्रैप करते हुए हटाना है, हल्का हल्का सा। ये ऐसे स्किन की तरह निकल आता है, दोनों साइड से कट कर लेंगे। परवल को यहाँ बीच से कट करेंगे, आधा तिरछा कट लगाएंगे, एक साइड से जुड़ा रहेगा परवल। सारा परवल ऐसे ही कट कर लेंगे, ऐसे स्किन निकाल लेंगे, दोनों साइड से कट कर लेंगे। सारा परवल ऐसे ही कट करते जाएंगे। परवल कट कर लिया है मैंने, आलू का छिलका हटा लेंगे। सारे आलू को छील लिया है मैंने, आलू से मीडियम साइज के पीस कट कर लेंगे। आलू और परवल को वॉश करके अलग अलग रख लेंगे। गैस ऑन करेंगे, कढ़ाई रखेंगे, कढ़ाई को गर्म होने देंगे। कढ़ाई गर्म हो चुका है, 2 से 3 बड़े चम्मच ऑयल डाल लेंगे। ऑयल को गर्म होने देंगे। ऑयल गर्म हो चुका है, परवल ऐड कर लेंगे। परवल को ब्राउन होने तक भूनेंगे, थोड़ी थोड़ी देर पे उलट पलट करते हुए। परवल हमारा अच्छे से फ्राई हो चुका है, कढ़ाई से बाहर निकाल लेंगे और इसी में आलू ऐड करके फ्राई कर लेंगे। आलू को भी हल्का ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। आलू भी अच्छे से फ्राई हो चुका है, निकाल लेंगे ऑयल से बाहर। आलू परवल की सब्जी में कच्चे आलू की जगह पे अपने पसंद के अनुसार आप उबला हुआ आलू भी ऐड कर सकते हैं। कढ़ाई में ऑयल डालने की ज़रूरत नहीं है। 1 तेज़पत्ता, 2 सूखी लाल मिर्च तोड़ते हुए डाल लेंगे, 1 छोटा चम्मच जीरा। जीरा को अच्छे से तरकने देंगे। भीगा हुआ मसाला ऐड कर लेंगे। मसाले को अच्छे से भूनेंगे। मसाले हमारे अच्छे से भून चुके हैं, काफ़ी अच्छी खुशबू भी आने लग गई है। तैयार किया हुआ पेस्ट ऐड कर लेंगे, मिक्स करेंगे अच्छे से। थोड़ी थोड़ी देर पे चलाते हुए ऑयल रिलीज होने तक अच्छे से भूनेंगे सारे मसालों के साथ पेस्ट को। मसाले को ढक के भूनेंगे, काफ़ी तेज़ी से छींटा उड़ रहा है तो ढक्कन लगा दिया है मैंने। थोड़ी थोड़ी देर पे ढक्कन हटा के मसालों को चला लेंगे, चेक कर लेते हैं मसाला। फिर से ढक्कन लगा देंगे, पकने देंगे मसाले को अच्छे से, चेक कर लेते हैं फिर से। मसाले हमारे अच्छे से भून चुके हैं, ऑयल भी रिलीज होने लग गया है। भुना हुआ आलू परवल ऐड कर लेंगे, नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग। अच्छे से मिक्स करेंगे सारी चीज़ों को। गैस का फ्लेम मीडियम पे कर लेंगे। फिर से ढक्कन लगा देंगे, 2-3 मिनट ऐसे ही भूनेंगे। बीच में ढक्कन हटा के उलट पलट कर देंगे सब्जी को, चेक कर लेते हैं। फिर से ढक्कन लगा देंगे, देख लेते हैं सब्जी। सारी चीज़ें काफ़ी अच्छे से भून चुकी है।
पौना से एक ग्लास इतना पानी ऐड कर लेंगे। अगर ग्रेवी आपको ज़्यादा रखनी हो तो पानी ज़्यादा ऐड करें। मैंने यहाँ पे पानी कम ही ऐड किया है क्योंकि आलू और परवल आधा से ज़्यादा पक चुका है फ्राई करते टाइम ही, तो पकने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। हाफ टी स्पून गरम मसाला मिक्स कर देंगे। गैस का फ्लेम मीडियम पे ही रहने देंगे, ढक्कन लगा देंगे। सब्जी को 3 से 4 मिनट पकने देंगे। सब्जी चेक कर लेते हैं। सब्जी हमारी बिल्कुल अच्छे से पक चुकी है, ग्रेवी भी गाढ़ी हो चुकी है। ग्रेवी आप अपने पसंद के अनुसार पतली या गाढ़ी रख सकते हैं। गैस को ऑफ कर लेंगे, ऊपर से बारीक कटा हरा धनिया डाल लेंगे। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है सब्जी से, कलर भी बहुत अच्छा आया है। तो आप भी इस तरीके से पार्टियों वाली आलू परवल की सब्जी एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। फिर मिलते हैं एक नए रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।